Now, even as the judicial panel is currently in Sambal, let's tell you what exactly we've found so far. So far, several CCTV clippings and audio tapes have been recovered. And these are not just any plain audio tapes. These are clinching tapes that nail the conspiracy plot. And one such CCTV clipping has gone viral, and it clearly shows how the entire riot and arsoning was orchestrated in this report. Riots in Sambal that broke out on 24th of November hints towards a larger conspiracy. A CCTV visual from the day of riots show how the violence was orchestrated. This CCTV footage is timed at 8:57 a.m. Just few hours before the survey team reached the mosque for survey. This spot is the lane right behind the mosque. Watch how the call for mobilization was given. Meanwhile, there is an attempt to reignite the Sambal fire. A Samajwadi Party delegation of 15 members who was en route the riot hit area was stopped midway. ये पुलिस आई है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी ढंग से, संवैधानिक ढंग से, क्योंकि जो प्रतिबंध है वो संभल जिले के लिए है, यहाँ लखनऊ के लिए नहीं है। ये लखनऊ में रोक रहे हैं, ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, असंवैधानिक काम गैर कानूनी ढंग से यहाँ रोक रहे हैं। पुलिस प्रशासन हम लोगों को वहां से जाने से रोकने का प्रयास कर रही है। ये सच को छुपाने के लिए ये प्रयास हो रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि जिन लोगों की वहाँ हत्या हुई है उनके घर जा करके उनके जो परिवार है उनसे मिले। The BJP says that the opposition is inciting. संभल में जो घटना घटित हुई उस घटना के अगर मुख्य अपराधी के रूप में देखा जाए तो वह समाजवादी पार्टी है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी पराजय हुई है, जो उनको जख्म लगा है, वह जख्म वो भुला नहीं पा रहे। प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। पॉलिटिकल इंस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ मॉब बिल्डअप, कैन द ऑपोजिशन डिनाई दिस? नाउ देयर आर फ्रेश images coming in, viewers, from Sambal district, where you can see the three-member panel there, the DM, and along with the DM is the top cop who is accompanying the probe team. The three-member panel has arrived on ground zero to ascertain the situation in Sambal about what's happening in the aftermath of the deadly violence that took place. In fact, my colleague Vaibhav is also joining me on the phone line. Vaibhav, the three-member team has arrived in Sambal. Tell us about what's happening. देखिए, बिल्कुल, संभल में जिस तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था इस पूरे प्रकरण में जांच के लिए, वो कमेटी इस वक्त संभल में ही मौजूद है। सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि ये हिंसा में जितने लोगों की मौत हुई है, जिस तरह से हिंसा हुई, इसके पीछे तमाम सवाल थे और कई बयान ऐसे थे जिनमें कहीं ना कहीं से आपस में ही विरोधाभास था। तो इस विरोधाभास को खत्म करने के लिए और संभल में वाकई में हुआ क्या था, किसकी गलती से इस तरह से हिंसा भड़की, वहां पर चूक कहां हुई, कैसे लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से डिस्टर्ब हो गया, ये वो तमाम पहलू थे जिन सवालों को लेकर अब यहाँ पर जो जांच आयोग की टीम है वो पहुंची हुई है इस वक्त। और ये तय है कि रिपोर्ट जब आगे सबमिट करेगी तो उसमें उन तमाम सवालों का जवाब भी मिलता हुआ नजर आएगा जिन सवालों को लेकर अभी भी हम और आप कहीं ना कहीं से पशुपेश की स्थिति में है। मुख्य वजह क्या थी इस पूरी हिंसा में, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बीच सर्वे को लेकर सबको जानकारी भी थी, सर्वे की टीम एक बार पहले भी सर्वे कर चुकी थी। 24 तारीख को सर्वे को लेकर बिल्कुल साफ ये था कि सर्वे टीम का यह कहना था कि उन्होंने जो 19 तारीख की देर शाम सर्वे किया है उस सर्वे में इमेजेस क्लियर नहीं आई है क्योंकि शाम हो चुकी थी और रात में तमाम तस्वीरें और वीडियोग्राफी जो हुई वो क्लियर नहीं थी, इसके चलते वो एक दिन और सर्वे करना चाहती है। यानी कि सब कुछ ऐसा सर्वे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे। उसके ठीक दो दिन पहले जब जुमे की नमाज हुई उस दिन भी सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और उस दिन भी स्थितियां नहीं बिगड़ी, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहा। लेकिन सर्वे वाले दिन ही ये हिंसा कैसे हुई और
इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे पत्थरों के साथ, असलहों के साथ, तमाम वो वेपन जिसका इस्तेमाल इस पूरी हिंसा में किया गया उसके साथ कैसे वो मस्जिद के पास जमा हो गए, ये वो तमाम पहलू है। एक और एंगल है, क्योंकि पुलिस की थ्योरी बिल्कुल अलग है इससे, पुलिस की थ्योरी पर भी यहाँ पर जांच आयोग की टीम जो है वो भी समझेगी, यहाँ पर पुलिस प्रशासन से भी सवाल जो है वो किए जाएंगे कि आखिर पुलिस से चूक कहां पर हुई, क्या वाकई पुलिस का LIU फेलियर, लोकल इंटेलिजेंस फेलियर था, इसमें पुलिस ये भाप नहीं पाई कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपद्रव करने के लिए पहुंच सकते हैं। और हमने जब कमिश्नर जो मुरादाबाद जोन है उनसे भी इस बात को लेकर सवाल पूछा था कि क्या यहाँ पर आपका लोकल इंटेलिजेंस फेलियर भी है, क्योंकि आप इतनी बड़ी संख्या में भीड़ मस्जिद के पास पहुंच जाती हो और आप प्रशासन को भनक तक नहीं रखते, तो उन्होंने भी कि कहीं ना कहीं से हमसे भी चूक हुई है और हम इस पर भी काम करेंगे कि आखिर चूक हमसे कहां हुई है। तो यानी कि वो तमाम सवाल जो संभल हिंसा में सामने आए, उन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए यहां पर अब जांच आयोग की टीम इस वक्त संभल में ही मौजूद है, खुद DM और SP उनके साथ मौजूद है, लगातार गश्त जो है वो उन इलाकों में करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से भी बातचीत की जाएगी जो लोग यहां पर मौजूद है, यानी कि वो तमाम तस्वीरें जो अभी ब्लर है उन पिक्चर्स को क्लियर करने के लिए, पूरी तस्वीर साफ करने के लिए और उन तमाम सवालों का जवाब सुलझाने के लिए यहां पर जांच आयोग की टीम इस वक्त संभल में मौजूद है। जी वैभव जी, अभी रिपोर्ट कब तक सबमिट करनी है इनको, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर को, और अगर इस केस के बारे में हम बात करें तो कोर्ट में कहां तक पहुंची है ये मामला? देखिए, रिपोर्ट सबमिट करने को लेकर कोई तय मानक नहीं है, कोई तय समय सीमा नहीं तय की गई है। कमेटी जब इस पूरे प्रकरण में जांच कंप्लीट हो जाएगी फिर वो रिपोर्ट शासन को सौंपेगी, लेकिन कोर्ट की अगर बात करें तो कोर्ट प्रोसीजर में भी इस मामले में सर्वे को लेकर 10 दिन का वक्त लोअर कोर्ट में जो है वो एडवोकेट कमिश्नर की तरफ से लिया गया है और ये कहा गया है कि उन्हें सर्वे रिपोर्ट सबमिट करने में 10 दिन का वक्त और चाहिए, क्योंकि उस दिन जिस तरह से हिंसा हुई उसके बाद लगातार जो कार्रवाइयां हुई इसमें रिपोर्ट जो है वो तैयार नहीं हुई। कोर्ट ने 10 की मोहलत दी है, जनवरी 8 तारीख को मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी और मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो अपील की गई थी और मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि उन्हें सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, उन्हें इस केस में बहस करने के लिए वो तमाम पहलुओं को जानना है जिस आधार पर हिंदू पक्ष ने इस पूरी याचिका को दाखिल किया है। मुस्लिम पक्ष को 8 तारीख तक का वक्त दिया गया, लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगली इंटरिम यानी कि जब तक हाईकोर्ट इसमें दखल नहीं देती है तब तक के इस पूरे मामले में जो है वो लोअर कोर्ट सुनवाई ना करे, कि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कोर्ट का मामला फिलहाल अब अधर में लटक गया है, वक्त जरूर लगेगा कोर्ट प्रोसेसिंग में, लेकिन यह तय है कि सर्वे की जो रिपोर्ट है वो 10 दिन के अंदर एडवोकेट कमिश्नर जो है वो संभल के जिला न्यायालय में सौंप देंगे और आगे जो प्रक्रिया होगी उसको लेकर कोर्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन आज की ये जो जांच आयोग की टीम पहुंची है, इस टीम का यहां पर पहुंचना अपने आप में ही बताता है कि जिस पारदर्शिता के साथ सरकार, जिस पारदर्शिता के साथ शासन काम करने की बात कहता है उस पारदर्शिता को ही और ज्यादा उजागर करने के लिए ये जांच आयोग की टीम आज यहां पर पहुंची और जांच आयोग की टीम उन तमाम सवालों को खंगाल रही है, क्योंकि अलग अलग थ्योरियां थी, पुलिस की थ्योरी अलग थी, आप वहां के किसी लोकल शख्स को पकड़ के पूछेंगे वो हिंसा और दंगे के बारे में आपको अलग बताएगा, सर्वे की टीम जो है वो स्थितियों को और अलग बताएगी, उस आगे मस्जिद के ठीक सामने वाली गली में जो लोग रहते हैं उनसे आप इस बवाल को लेकर पूछेंगे उनकी थ्योरियां अलग है, यानी कि इन तमाम थ्योरियों का निचोड़ क्या है, सार क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये जानने और ये समझने के लिए आप सर्वे। वैभव जी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि सागर भी अभी संभल में ही है और लेट मी गो अक्रॉस टू माय कोलीग सागर व्यूअर। सागर, आप संभल में हो, क्या कैसा माहौल है और अभी जुडिशियल प्रोब टीम भी पहुंच चुकी है, तो बताइए क्या हो रहा है ऑन ग्राउंड जीरो।